इस दिवाली गम में डूबा है चीन, रोशनी के पर्व पर अंधेरे में डूबा है चीन, उत्सव के मौसम में जार जार हो रहा है चीन। इस दिवाली चीन का दिवाला निकलने वाला है। एक वक्त था जब भारत में दिवाली मनती थी और खुशी से जगमगाता था चीन, लेकिन इस बार चीन के हिस्से सिर्फ आंसू और गम है। इस दिवाली चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है और उसे लग रहा है अरबों का फटका। एक वक्त था जब दिवाली में चीनी प्रोडक्ट्स छाए रहते थे, दिए से लेकर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तक, सजावट की बत्तियों से लेकर बंदरवार तक, लेकिन इस बार चीनी सामानों को भारतीय बाजार ने बाय बाय कह दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक इस दिवाली चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जबकि इसी दौरान देश में ग्राहक दिवाली की सामानों की खरीदारी पर 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। पिछले साल भी दिवाली के दौरान देश भर में करीब 72,000 करोड़ का कारोबार हुआ था और उस समय चीन को करीब 40,000 करोड़ का घाटा हुआ था। गलवान में हुई झड़प के बाद से ही चीनी सामानों का बहिष्कार चल रहा है। भारतीय कारोबारियों ने तय किया कि दिवाली में भी चीन से सामान नहीं मंगाए जाएंगे। चीन को जहां इससे करारा झटका लगा है, वहीं कोरोना के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को ताकत भी मिलेगी, क्योंकि देसी सामानों की मांग बढ़ेगी। रोशनी के त्योहार दिवाली पर गम के अंधेरे में डूबा हुआ है चीन। भारत से पंगा लेकर चीन ने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, इसका इल्म उसे है और अब वो पछता रहा है, खीज रहा है। कैट ने कहा है कि हाल के ही सर्वे से पता चल रहा है कि 20 शहरों में चीन के किसी भी सामानों के लिए ऑर्डर नहीं दिए गए। दिवाली के सामानों, पटाखों या दूसरे किसी भी आइटम को चीन से नहीं मंगवाया जा रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर भी चीन को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ रुपए की चपत लगी थी। कैट का दिसंबर 2021 तक चीन के सामानों के इंपोर्ट में 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी का लक्ष्य है। चीन से ज्यादातर फैशनेबल सामान भारत में मंगाए जाते हैं। ये सामान यहाँ बनने वाले सामानों की तुलना में सस्ते होते हैं, यही कारण है कि लोग इन्हें खरीदते हैं। पर जब से बहिष्कार शुरू हुआ है, लोगों ने चीन के सामानों को खरीदने में कम दिलचस्पी दिखाई है। चीन को भारत से ऑर्डर मिल नहीं रहा, लेकिन चीन की दलील है कि बिना पूरा एडवांस लिए चीनी कंपनियां भारत को सामान नहीं दे रही हैं। सीधे नहीं, लेकिन घुमा फिराकर चीन भी मान रहा है कि भारतीय बहिष्कार से उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचा है। कोरोना और बिजली संकट की वजह से पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है और इधर भारतीय बाजार से चीनी सामान गायब होने से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है।